सेक्स की प्रॉब्लम्स है दोनों औरतों में भी और आदमियों में भी इस दवाई से एक ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट मिलता है हर जगह इस दवाई ने काफी धूम मचा रखी है तो आज हम जानेंगे कि एल आर्जिनिन क्या होता है एल आर्जिनिन के बॉडी पे क्या बेनिफिशियल इफेक्ट है इस दवाई को लेने से आपको सेक्स प्रॉब्लम या इलेक्शन में या पी में या डिजायर में क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इस दवाई की सही डोजेज क्या है और इस दवाई के साइड इफेक्ट्स के बारे में तो सबसे पहले समझेंगे कि एल आर्जिनिन होता क्या है एल आर्जिनिन जो है ये बॉडी में नेचुरली मिलती है एल आर्जिनिन बेसिकली एक अमीनो एसिड है अमीनो एसिड मतलब कि बॉडी के वो कंपोनेंट्स जिनसे प्रोटीन बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड जैसे आर्जिनिन सिट्रीन ग्वानी ये सारे अमीनो एसिड्स एक के साथ एक लग के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स को हमारे मास मसल प्रोटीन को बॉडी प्रोटीन को बनाते हैं इनमें से एक स्पेसिफिक प्रोटीन है एल आर्जिन ये एल आर्जिन नेचुरली बॉडी में बनता है तो एल आर्जेन के बॉडी में कई सारे फायदे हैं इस एल आर्जेन के जो फायदे हैं वो ये है कि एल आर्जेन बेसिकली एन ओ या नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे का प्रिकर्सर है जब एल आर्जेन से सिट्रोलिन अमीनो एसिड बनता है तो उसके दौरान एक बॉडी में केमिकल रिलीज होता है जिसको एन NO ओ बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं ये जो एन NO ओ है ये बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट करके उनको फुला के उनकी क्षमता बढ़ा के उनके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ा के बॉडी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स दिखाते हैं तो जब ये एन NO ओ बनता है शरीर में तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं पहला बेनिफिट तो ये है ये ब्लड बॉडी में कहीं पर भी जहाँ पर ब्लड रुका होगा उस ब्लड को खोल के उस एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ाता है तो पेनिस में तो इरेक्शन लाता ही लाता है साथ में ये ब्रेन में भी ब्लड सप्लाई इम्प्रूव करके माइग्रेन जैसे हेड एकस है उन लोगों में हेल्प करता है जिन लोगों को चलने में दिक्कत है पैरों में क्रैम्प्स आते हैं उन लोगों की ब्लड सप्लाई बढ़ा के उसमें हेल्प करता है बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो हार्ट बेटर पंप करेगा अगर कर कोई घाव है तो वो जल्दी भरते हैं एलार्जरिन से डायबिटीज़ में मेंसिव इंप्रूवमेंट होता है ब्लड शुगर डाउन होती है बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या बॉडी में कोई बीमारी है तो वो जाती है इम्यूनिटी बूस्ट होती है एल आर्जिन काफ़ी बॉडी बिल्डर्स भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एल आर्जिन स्टेमिना इम्प्रूव करता है मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करता है बॉडी बिल्डिंग की कैपेसिटी इंप्रूव करता है तो इससे जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा आपके सेक्शुअल फंक्शन में डेफिनेटली देखने को मिलता है तो एल आर्जिन अपने मैकेनिज़्म से पूरी बॉडी को एक नेचुरल बूस्ट देता है एल आर्जेरीन से जो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है शुगर कंट्रोल होता है स्टेमिना बढ़ता है मसल एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ती है उससे आपको एक फिटनेस आती है बॉडी वेट कम करने में हेल्प करती है नींद स्ट्रेंथ इंप्रूव करती है आपके पेनिस के अंदर जो इरेक्शंस कम है वो मैसिवली इम्प्रूव होते हैं एल की कई डोजेस दी गई है हर डोज को मरीज के हिसाब से टाइट्रेट करना पड़ता है कुछ प्रोटोकॉल्स कहते हैं कि इसको 500 सौ दिन में तीन बार लिया जाए कुछ प्रोटोकॉल्स कहते हैं कि इसको एक ग्राम दिन में दो बार लिया जाए कुछ प्रोटोकॉल्स कहते हैं कि एल में ब्रेक पीरियड देना जरूरी है नॉर्मली मैं एल को वन ग्राम ट्वाइस अ डे के डोज में स्टार्ट करता हूँ पर एल के साथ में एलकारिटीन कोक्यूटेन सिट्रोलिन मल्टीपल एंटी है जिंक है सेलिनियम है के कॉम्बिनेशन के साथ स्टार्ट करता हूँ साथ में मरीजों को कभी कभी हम लोग टाला फिल भी ऐड करते हैं साथ में मरीजों को हम शॉक वेव या पी शॉट पे भी लेके जाते हैं तो इससे मोस्टली पेशेंट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाता है एल आर्जरीन का मेजर साइड इफ़ेक्ट है बीपी का कम होना ये अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है पेशेंट ऑलरेडी बी की मेडिसिन ले रहा है तो एल आर्जरीन के एडिशन से कई बार बी ज़्यादा कम हो सकता है शुगर ज़्यादा ड्रॉप हो सकती है तो कई बार एल स्टार्ट करने के बाद हमें बीपी की मेडिसिन को एडजस्ट करना पड़ता है अगर यंग पेशेंट्स है तो उसके अंदर भी बहुत ज़रूरी है कि उनके बीपी या हार्ट को मॉनिटर किया जाए एल आर्जिनिन कई बार बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम है उनको डिसबैलेंस कर सकता है तो एल आर्जिनिन के यूज़ के साथ एडिक्वेट हाइड्रेशन लाइट अमाउ ऑफ पानी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है